खबर आ रही है सूरत से। सूरत में राज्य सरकार के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक शुक्रवार से सूरत कपड़ा मंडी के रिंग रोड समेत सभी कपड़ा बाजार सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुले रहे। गुरुवार का यह अवधि 6 घंटे की थी, जिसे बढ़ाकर अब 9 घंटे कर दिया गया है। नई नोटिफिकेशन के बाद शुक्रवार को पहले दिन कपड़ा बाजार क्षेत्र में किसी तरह की विशेष व्यापारिक चहल पहल दिखाई नहीं दी है और इसका मुख्य कारण बाहरी मंडियों के रनिंग नहीं होना बताया गया है। हालांकि अब धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी कोरोना की स्थिति में सुधार होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में सूरत कपड़ा मंडी ने एक बार फिर से कुछ दिनों बाद व्यापारिक चहल पहल बढ़ने की गुंजाइश स्वयं कपड़ा व्यापारी भी मान रहे हैं। सूरत कपड़ा मंडी के जॉब वर्कर्स कोरोना काल में पनपे विकट हालात में भुगतान व्यवस्था को सुधारने के प्रति सक्रिय हो गए हैं। इस सिलसिले में शुक्रवार को टेक्सटाइल एम्ब्रॉयडरी जॉब वर्कर्स एसोसिएशन ऑफ सूरत के विज्ञप्ति जारी की है। इसमें एसोसिएशन के अध्यक्ष हितेश भिकरतिया और ने बताया कि शहर में गत 20 वर्षों से 30,000 से अधिक एम्ब्रॉयडरी यूनिट्स में 2,00,000 से ज्यादा मशीनें संचालित हैं और शुरुआती दौर में 7 दिन में पेमेंट पर 5% डिस्काउंट की धारा थी, जो कि बाद में बढ़ते बढ़ते 120 दिन तक पहुंच गई। अभी के हालात किसी से छिपे हुए नहीं है और अब एसोसिएशन ने निर्णय किया है कि सभी यूनिट संचालक जॉब वर्क का पेमेंट 15 से 30 दिन में बगैर डिस्काउंट लेंगे।